हिंदी में आज हम इकाई 15 सीखेंगे, जिसका नाम है खरगोश और हाथी। आप सबने पंचतंत्र की कहानियां देखी होगी या फिर सुनी होगी। यह कहानी भी पंचतंत्र से ही ली गई है। हम सब जानते हैं कि खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा जानवर है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमसे बड़ा जानवर या फिर मनुष्य हमेशा जीतता है और छोटा जानवर या फिर मनुष्य हमेशा हारता है। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ ताकत का उपयोग कर ही जीता जा सके। कभी कभी हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर भी हमसे ताकतवर इंसानों या फिर जानवरों से भी जीत सकते हैं। तो इस कहानी में भी हम यही देखेंगे कि किस प्रकार खरगोश अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इकाई समझते हैं। एक जंगल था और उस जंगल में एक सरोवर था। सरोवर का अर्थ है झील। उस सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। अब वो सरोवर है वो पानी से भरा होगा, तो इसी वजह से आजू बाजू की जो पास वाली जमीन है वो कैसी हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो वह जमीन गीली थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे, नरम नरम घास खाते थे, रात को अपने घरों में सो जाते थे। वे सब बहुत ही प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे। अब एक दिन क्या होता है, उसी जंगल में कुछ हाथी आ जाते हैं। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे और पौधे भी कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा छोटा हाथी नीचे होता। आपको पता है हाथियों को पानी बहुत पसंद है। हाथी पानी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पानी के साथ मस्ती करना भी बहुत अच्छा लगता है उसको। वे सुंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते रहते हैं, पर नरम जमीन उनके भार से दब जाती है। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते हैं। परिवार का अर्थ होता है जहां हम सब मिलकर साथ में रहते हैं, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन वे सब साथ में रहते हैं। उस घर में रहने वाले लोग को परिवार बोलते हैं। हाथियों की यही हरकतें और शरारत की वजह से वो सारे खरगोश के परिवार बहुत ही दुखी थे। सभी परेशान हुए खरगोश साथ में मिलकर उपाय सोचने लगे। अचानक से खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। उसने कुछ खरगोशों को चुन लिया और उनको लेकर वह हाथियों के सरदार के पास गया। वहां जाकर कुछ दूरी पर बैठकर खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। इसका अर्थ है कि उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नमस्कार को देखकर हाथी ने भी सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। देखा बच्चों, यह दोनों ही प्राणी है, जानवर है, फिर भी एक दूसरे से कितनी सभ्यता से मिलते हैं। हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद खरगोश सरदार बोलता है कि हम चांद के भांजे हैं। भांजा किसे कहते हैं? भांजा यानी बहन का लड़का। उसके बाद खरगोश बोलता है, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप ध्यान से चांद में देखेंगे तो आपको उसमें कुछ दिखेगा। तो उसी को वह खरगोश भाई बंधु बोल रहे थे। बंधु का अर्थ होता है भाई। उसके बाद सरदार खरगोश बोलता है कि हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। उसके बाद वह बोला कि मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए, वे आपसे नाराज है।
हाथी ने तो सब मान लिया और हाथी बोलने लगा कि क्या, क्यों नाराज है, हमने ऐसा क्या किया कि वो हमसे नाराज हो गए। फिर सरदार खरगोश बोलता है, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख का अर्थ होता है छेद। यहाँ खरगोशों ने छेद कर अपने घर बनाए थे। समीप का अर्थ होता है नजदीक। उसके बाद खरगोश बोलता है, आपके आने से सुराख दब गए हैं, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे भी साथ में दब गए हैं, इसीलिए वे आपसे बहुत ही नाराज है। उसके बाद खरगोश आगे बोलता है, आपको पता है वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। फिर रात हो जाती है और उस दिन पूर्णमासी होती है, और आप सब जानते हैं ना, पूर्णमासी के दिन चांद पूरा निकलता है और उस दिन हवा भी तेज चल रही थी, इसी वजह से सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद की परछाई सरोवर में पड़ रही थी और लहरों के साथ साथ वो परछाई भी ऊपर नीचे हो रही थी। खरगोश हाथी को लेकर वहां आ जाता है और खरगोश बोलता है, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। खरगोश की ऐसी बातें सुनकर हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, जहाँ पे सारे हाथी खड़े हुए थे वहां पर देखा, सभी बहुत ही डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मतलब माफी, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और उसके बाद सभी हाथी दूसरी जगह चले जाते हैं और खरगोश बहुत ही प्रसन्न होकर वापस से रहने लगते हैं। चलिए अब हम पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे, वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते, वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते, हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, कभी एक छोटा हाथी नीचे होता कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, वे सूंड में पानी भरकर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते, इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है, हमने क्या किया है। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं, आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णिमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था।
हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसे ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक बार फिर से याद कर लो। अगले वीडियो में हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।